इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए बहु सुधा समाना। भगवान चित्रकूट वास कर रहे हैं। वसुंडी बाबा ने गरुण जी के प्रति, भोले बाबा ने माँ के प्रति मानस हृदय में उत्तरकांड द्वार क्रमांक 62 से 68 तक में यह सार संक्षेप सुनाया। आइए ये 5 पंक्तियाँ पहले आश्रय करें, फिर व्यास समास में प्रवेश करें। प्रथम ही अति अनुराग भवा रामचरित सर कहे, उन नारद कर मोह पाए, कहे बहुरी रावण प्रभु अवतार कथा पुन गा, तब शिशु चरित कहे से बाल चरित कहे विविध विधि मन महु पर ऋषियागमन कहे श्री रघुवीर मानस सर सुनाए। नारद मोह का प्रसंग आया, रावण के अवतार की कथा भई। भगवान जैसे अवतरित भय, उनके कथा को गाए वसुंधरा बाबा, बाल चरित नाना विधि सुनाए, विद्याध्ययन की कथा, गुरुकुल से वापसी, विश्वामित्र बाबा आए लेने आए, लेकर गए राम लक्ष्मण प्रभु को, श्री रघुवीर विवाह संपन्न हो, व्याह करके आए ही थे, इतने में वनवास हो गया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंग, राज रस भंगा तुमने बवचन, राज रस भंगा उर्वशीन कर विरह विषादा, राम लक्ष्मण
निवास प्रयाग बाबा।
ज्ञान पीठ पर बैठकर माँ भगवती को कथा सुना रहे हैं। कागभुसुंडी बाबा भक्ति पीठ पर बैठकर गरुण जी पक्षीगणों को कथा सुना रहे हैं। भगवान की कथा है, सुनने सुनाने मात्र से जीव की व्यथा का हरण कर लेती है। क्या हरण कर लेती है कथा? व्यथा हरण कर लेती है। कैसे हरण कर लेती है? असत्य को समझा देती है और सत्य को सुनाकर विबोध करा देती है, ज्ञान करा देती है। असत्य में लिपटना नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये संसार असत्य मान के नहीं रहना है। जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है। जब वो बोध में आ जाए तो ये अपने आप असत्य हो जाएगा। जैसे जब कॉपी पर लिखना आ जाता है तो पार्टी असत्य हो जाती है, वरना हम लोग भंगरैया से कितना पार्टी चुरुलते थे, फिर उसमें नरकट की कलम से चाक से लिखते थे, भट्ठा से लिखते थे। अब जब कलम कागज पर लिखने लगे तो पार्टी असत्य हो गई। तो जब तक भगवान के भाव का बोध न हो तब तक सब सत्य है। तो महाराज, यह असत्य जगत गायब कैसे होगा? बढ़ने से। भजन करते हुए भगवान की ओर जब हम ऊर्ध्वगामी होंगे तो सब असत्य जान पड़ेगा, ब्रह्म सत्यम का बोध होगा, तो जगत मिथ्या स्वतः हो जाए। मिथ्या मानकर यहां न रहा जाए, यहां कुछ मिथ्या नहीं। अच्छा, देखिए, सबको ठगिए ठीक है, स्वयं को न ठगिए, अपने को ठगना अच्छा नहीं। वह उपदेश भी न किया जाए जो हमारे ऊपर ही खरा नहीं उतर पा रहा। पल पल पर मानस सत्संग की आज्ञा करता है। सत्संग प्रभु वगस्ति गोस्वामी जी भी लिख सकते थे, प्रभु मुनि मिलन प्रसंग। ये सत्संग क्यों करना? क्योंकि साधु के साथ जब हम जुड़ेंगे तो सत्संग ही होगा। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे परिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस परिए। तो जब जब राम जी ऋषि मुनियों से मिलते हैं सत्संग होता है, कुछ ब्रह्म चिंतन होता है, शास्त्रों की मीमांसा बैठती है। जब जब भेंट होती है, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।